हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटासी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैनकोट ECS T10 लीग पुर्तगाल के मैच 3 और 4 के बारे में। जी हाँ, एक साथ में दोनों ही मैच तीसरा और चौथा आपस में ही खेलने वाले हैं। रात को ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसकी वजह से ज़्यादा ये चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एक ही टीम से दो दो मैच करवा रहे हैं दोस्तों। ओके, और उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में IPL भी शुरू होने वाला है, उसकी वजह से इन लोगों ने सिंपल सा ये टूर्नामेंट रखा हुआ है, बट ये लगभग 1 महीने चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। दोस्तों, आपका प्यार इतना सारा मिल रहा है उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक्स कहता हूँ। और सॉरी भी कहना चाहूँगा, जॉब पर बिजी होने की वजह से मैं टेलीग्राम पर अपडेट टीम नहीं दे पा रहा हूँ और कुछ कुछ मैच मेरे खुद भी इतने ख़राब जा रहे हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं अपनी रिस्की टीम आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं आपको पैसा लॉस कवर करवाना चाहता हूँ और लगभग पैसा मैं आपका गंवाना नहीं चाहता दोस्तों। इसीलिए भरोसा रखिए, हम T10 में धमाल आगे करते आए हैं और करेंगे भी। कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन खराब भी जाएंगे दोस्तों। ओके, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच डिटेल की। तो जैसा कि मैंने बताया, मालो MAL वर्सेस गोरखा के बीच में मैच खेला जाने वाला है, मैच नंबर 3। 7 अप्रैल को इंडिया के टाइम के हिसाब से रात में 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पुर्तगाल के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल लिख दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। लगभग ये पूरा टूर्नामेंट 1 महीना चलने वाला है, 6 अप्रैल से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा और लगभग ये मेरे ख्याल से 28 अप्रैल तक चलने वाला है, 28 अप्रैल या 29 अप्रैल तक लगभग ये चलने वाला है। तो 1 महीने का पूरा टूर्नामेंट है। शुरुआत के कुछ आप मैच छोड़ोगे तो आपकी टीम के बारे में समझ में आएगा कि टीम कैसी है दोस्तों। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे मैच खेलें, जो आपको कॉन्फिडेंस लगता है उस मैच में ही खेला कीजिए, उसमें ही इन्वेस्ट किया कीजिए। जिसमें नॉलेज ना हो, दूसरों की टीम के ऊपर डिपेंड होकर लीग मत खेला कीजिए, उसमें हो सकता है या तो आप लकीली जीत जाओगे या तो पूरा का पूरा पैसा गंवा दोगे। दोस्तों, उतना ही पैसे का खेला कीजिए जितना पैसा आप लॉस कर सकते हो दोस्तों। चलिए, एक सजेशन था, आगे बात कर लेते हैं टीम की। तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टीम ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया हुआ है और 2 टीम ने 2-2 मैच खेल लिए हैं। कल का दिन हमने देखा, गोरखा ने 2 मैच खेले, दोनों ही जीत गई। कोयंबरा नाइट्स ने 2 मैच खेला और दोनों ही हार गई। अच्छा हुआ ये दोनों ही हार गई, क्योंकि इनके गेम ही उतना गंदा भी था। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट अक्सर यहाँ पर 100 रन एवरेज स्कोर यहाँ पर देखा जाता है। पिच यहाँ पर न्यूट्रल रहती है, बॉटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी है। स्विंग बॉलर अच्छे स्विंग कर भी लेते हैं और बैट्समैन अच्छे रन मार भी लेते हैं, जैसा कि हम अमूमन देखते हैं T10 के अंदर। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच जैसा कि मैंने बताया, तीसरा और चौथा 2 मैच खेले जाएंगे और दोनों ही एक ही टीम के मैच होने वाले हैं। मालो ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, जबकि गोरखा ने अपने लीग में 2 मैच खेल लिए हैं और दोनों ही मैच जीतकर वो आ रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। बट उसका कॉन्फिडेंस लो कहाँ होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा। मेलो की बात करूँ तो लास्ट 5 मैच इन्होंने T10 के खेले हुए हैं, तो T10 का एक्सपीरियंस इनको भी है दोस्तों। तो ये टीम को आप कमज़ोर मत समझना और इसको फ्रेश टीम मत समझना। इनका स्ट्रीक देख लीजिए, लास्ट 5 मैच में ये 4 जीती है और 1 हारी है और एवरेज स्कोर यहाँ पर इनका 102 का निकल कर आया है। लगभग 102 रन तो मार ही लेती है आसपास 10 ओवर के अंदर। गोरखा की बात कर लूँ तो ये भी अपने लगभग 5 में से 4 मैच जीतकर बैठी है और लास्ट के 2 मैच जीतकर भी आ रही है, तो इसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 105 रन इनका भी एवरेज स्कोर रहता है 10 ओवर के अंदर। तो लगभग दोनों ही टीम के अच्छे टक्कर हमें मिलने वाली है लास्ट मैच के मुकाबले में। अब गोरखा के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। जिस भाई को नहीं पता लास्ट 2 मैच में क्या किया है गोरखा ने, तो वो यहाँ पर देख सकता है कौन से प्लेयर ने कैसा खेला है, यहाँ पर मैंने बता दिया है। जैसे कि अजहर अंदानी ने ओपन किया था तो पहले मैच में 50 मारी थी, दूसरे मैच में 32 पर आउट हो गए थे। उसके बाद में इमरान खान बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन किया था दोनों ही मैच में। माजिद सिराज निपो ने बैटिंग से तो कुछ खास नहीं किया है, बट बॉलिंग से आप देख लीजिए,
तीन विकेट और एक विकेट दोनों ही मैच में ली थी। तो हालांकि वो टीम बहुत ही कमज़ोर थी जिसकी वजह से उनको तीन विकेट मिल गई थी। तो अभी जो ये टीम है उसके सामने उतना अच्छा वो बॉलिंग में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद में सेकंड मैच में कुछ अच्छी बैटिंग नज़र आई थी सुमन घी मेरी से, तो 34 रन उन्होंने मारे थे। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने तो लगभग बहुत सारे बॉलर यूज़ किए थे। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बॉलर आपके लिए मैं बता दूँ तो थापा है जो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बॉलर ये हो जाते हैं। यहाँ से श्रीपाल मत्ता की भी कुछ बॉलिंग अच्छी थी बट एक ही ओवर किया है इन्होंने, तो मतलब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बॉलर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में बात करूँ तो राहुल भरद्वाज है जो इम्पोर्टेंट बॉलर है तीन के, हालांकि पहली मैच में तो एक ही ओवर किया था बट आप देखिए दूसरी मैच में दो ओवर इन्होंने कंटिन्यू किया है। इसके अलावा मेन बॉलर इनके हैं इमरान खान और सिराज नीपो जो दो दो ओवर अपने स्पेल के कर रहे हैं। तो आपको अगर ये खेलते हैं तो इनको एज अ बॉलर भी आपको ध्यान में रखना है लेते वक्त स्मॉल लीग के अंदर। उसके बाद में अफसार आलम है, बड़ी बड़ी हिटिंग अच्छे से कर लेते हैं और एक आधा ओवर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, डेटा को आप समझ लेना पूरा पॉज करके वीडियो को। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कैप्टनसी कर रहे हैं मधुकर थापा गोरखा की टीम से, विकेट कीपिंग कर रहे हैं सुमन गिरमारे। प्रोजेक्टेड टॉप बैट्समैन इनके यहाँ से है लगभग इमरान खान जो ओपन कर रहे हैं अजहर अदनानी के साथ में। उसके साथ में वन डाउन आने हैं सिराज नीपो, फिर विकेट कीपिंग में जो सेक्शन में है गिमारे वो आ रहे हैं नीपो के बाद। उसके बाद में मधुकर थापा आ रहे हैं बैटिंग के लिए। तो ये इस तरीके के इनके टॉप के बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग से शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं इमरान खान और राहुल भरद्वाज। रिंकू सिंह भी ओपन कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। मेरे ख्याल से इस मैच में रिंकू सिंह की भी लिया जा सकता है, अगर खेलते हैं तो आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे दोस्तों। फास्ट बॉलर हैं। स्पिन करते हुए दो बॉलर हमें नजर आए थे सिराज नीपो और मंजीत सिंह उतने खास अच्छे बॉलर तो नहीं है बट सिराज नीपो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर की। तो की प्लेयर की अगर बात करूं तो इमरान खान है जो बड़े बड़े हिटिंग भी लगा लेते हैं। और लास्ट के अगर टूर्नामेंट की ही बात कर लूँ तो इन्होंने लगभग 150 रन मारे थे जिसमें 15 सिक्स भी लगाए थे लास्ट टूर्नामेंट में, उसके अंदर इन्होंने 7 विकेट भी ली थी। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सिराज नीपो की। यह क्लासी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छे रन हिटिंग लगा भी सकते हैं और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन इनका हमने लास्ट दो मैच में देखा ही है। अजहर अदनानी को भी हमने देखा क्विक रन बहुत अच्छे, पहले थोड़ा टाइम भी लिया कुछ मैच में तो स्टार्टिंग से ही हिटिंग करने भी लग गए थे। बट अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी की जो टीम है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसके सामने इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। हरजीत सिंह को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है बट ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, खेलते हैं तो आपको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है। राहुल भरद्वाज टॉप विकेट टेकर थे लास्ट टूर्नामेंट में और इस टीम के फिलहाल मेन बॉलर भी हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों के बीच में एक मैच हुआ है T10 का, मैलो और गोरखा जिसका नाम था उस टूर्नामेंट में रोसियो सीसी, दोनों के बीच में मैच हुआ था और आप यहां पर देख लीजिए मैलो ने विन किया था 101 रन और लगभग गोरखा हार गई थी, दो विकेट से मैच को जीत लिया था रोसियो ने। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक थोड़ा प्लस पॉइंट हमें नज़र आया है कि गोरखा हारी हुई है मालो से एक बार। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा मेलो का दबदबा थोड़ा बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं मेलो की। मेलो से यहाँ पर आपको कैप्टनसी करते हुए नज़र आने वाले हैं मियान महमूद जो कि ओपन भी करते हैं टीम के लिए। विकेट कीपिंग करने वाले हैं जयस पोपट, उसके साथ में मियान महमूद का साथ देने वाले हैं जफर अली, उसके बाद में आमिर जहेब है और नजम शहजाद है जो बैटिंग में टॉपर आ सकते हैं। बॉलिंग से अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर देख लिए जफर अली बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी दोनों से ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर लूँ असद महमूद है जो कि बॉलिंग पहली ओवर डालते हुए नज़र आएंगे और असद महमूद दरअसल एक स्पिनर है। आमिर इमरान जी ओके स्पिनर है, अगेन ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मालो के की प्लेयर की। तो जफर अली जो कि ओपनिंग बैट्समैन है और पहली बॉलिंग से भी पहली दूसरी ओवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट टूर्नामेंट में लगभग 104 रन मारे थे
पांच मैच में ही और कुछ विकेटें भी ली थी, लगभग चार विकेटें भी ली थी इन्होंने। आमिर ज़ैब है, हार्ड हिटर है, ऑलराउंडर है, लीडिंग विकेट टेकर है इस टीम से आमिर ज़ैब, हाईएस्ट विकेट टेकर है, मतलब मतलब अपनी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये प्लेयर है दोस्तों, और हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, तो मतलब अच्छे प्लेयर हो गए आपके लिए। असद महमूद 8 विकेट ली थी लास्ट टूर्नामेंट में जब इन्होंने खेला था, स्लो बॉलिंग है बट अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से इनको विकेट मिल ही जाती है। आई होप आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काम में ज़रूर आएगी जितनी मुझे मिली है। मैं जस्ट अपने जॉब से फ्री होकर आपके लिए इतनी वीडियो निकाल पाया हूँ, मैं से पहले इतनी ही मुझे मिल पाई है। कुछ और भी डिटेल मिलती है तो मैं टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगा, जैसा कि मैंने कल की मैच में की थी दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।